बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर और डायरेक्टर महमूद अली ने अपने फिल्मी सफर में इंडियन सिनेमा को कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी है। जानकारी के लिए बता दें कि महमूद ने अपनी लंबी बीमारी के बाद साल 2004 में अमेरिका में अपना दम तोड़ दिया। तो वहीं अगर बात करें महमूद की एक्टिंग करियर की, तो महमूद इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक रहे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी सफर की शुरुआत उन्होंने की थी। साथ ही आपको बता दें कि गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में महमूद को एक छोटा सा रोल मिला था, जिसमें महमूद ने बतौर एक्टर एंट्री ली। फिर कुछ समय बाद फिल्मी स्ट्रगल के बाद वो डायरेक्टर भी बने, लेकिन महमूद और बॉलीवुड के महानायक के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों के बीच थोड़ी दूरी पैदा हो गई। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा, इस फिल्म में महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को एक बड़ा ब्रेक दिया था, क्योंकि महमूद अमिताभ को अपने बेटे की तरह मानते थे। लेकिन महमूद के चले जाने से कुछ साल पहले महमूद और अमिताभ के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि इन दोनों यानी कि बिग बी और महमूद के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद इन दोनों के मजबूत रिश्तों में दरार आ गई। वेल, दरअसल एक बार अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को लेकर मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल गए थे, और उस दौरान वहां पर महमूद भी अपनी बाईपास सर्जरी की वजह से एडमिट थे। लेकिन अपने पापा के चलते अमिताभ महमूद से मिलने नहीं जा पाए, और उस दौरान महमूद ने अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जानते हुए भी कि मैं वहां एडमिट हूँ, अमिताभ मुझसे मिलने नहीं आए। अमिताभ ने बता दिया कि असली बाप असली ही होता है, मैं तो नकली था। वेल, वहीं तो खबरों की माने तो महमूद ने अमिताभ को एक बार एहसान फरामोश भी कह दिया था, और शायद हमें लगता है इसी के चलते इनके मजबूत बाप बेटे के रिश्ते में दरार आई होगी। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या महमूद ने ऐसा कुछ कहा होगा? इन खबरों में कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस,